का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो बंगाल की गई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए आज के उस कमेटी के जो कन्वेनर है श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और एमपी हैं पटना साहिब से एमपी भी हैं, वो इस कमेटी के कन्वेनर हैं। उनके साथ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं जो एमपी हैं और वो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मिसेज रेखा वर्मा जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के और एमपी भी हैं लोकसभा के, वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। ब्रिजलाल जी फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और एमपी हैं राज्यसभा से, वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। और डॉक्टर राजदीप रॉय वर्ल्ड नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और राजदीप रॉय और वो एमपी लोकसभा सिलचार से हैं, वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। ये सब लोग इस कमेटी के मेंबर, इन्होंने रिपोर्ट जो है सौंपी है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे श्री रवि शंकर प्रसाद जी। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। जफर इस्लाम जी, मेरे समिति के सभी माननीय सदस्य डॉक्टर सतपाल सिंह जी, एमपी फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस, और रेखा जी अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के एमपी हैं, ब्रिजलाल जी जैसा बताया गया पूर्व डीजीपी हैं राज्यसभा के एमपी हैं, और डॉक्टर राजदीप रॉय बहुत ही एमिनेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वो सिलचर से एमपी हैं। मैं रविशंकर। मित्रों, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ग्राम पंचायत चुनाव में बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एमपीज की बनाई थी, जिसका उन्होंने मुझे संयोजक बनाया था। हम लोग 12, 13, 14 तीन दिन बंगाल का दौरा हमने किया। लगभग 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस में हम लोग गए, कई जगह गए, देखा। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो इसके पहले कि हम इसका कंटेंट्स के बारे में आपको बताएं, हम चाहते हैं कि हम लोग अपना पूरा काम आइए। देश लोकतंत्र है और हम सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सांसद बने हैं, लेकिन हमें ममता सरकार की अगुवाई में एक बहुत ही विकृत और शर्मनाक लोकतंत्र देखने का दुर्भाग्य मिला। वी नोटिस्ड ए सिकनिंग सिंबॉल ऑफ शेमफुल डेमोक्रेसी इन बंगाल इलेक्शंस। आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव वो संविधान की एक मर्यादा है, संविधान के अंतर्गत फर्स्ट टायर ऑफ इलेक्शंस है वो, और उसका एक चुनाव आयोग होगा ये भी संविधान में प्रावधान है। तो आज क्या ग्राम पंचायत, क्या नगर निगम, क्या जिला परिषद, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, इन सभी संस्थाओं के बारे में संविधान में ही प्रावधान है, और उसके बावजूद इस तरह की हिंसा हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अपने यात्रा में, एक तो मुझे मालूम था वहां यात्रा रोकी जाती है, सतपाल जी भी गए थे, बिजलाल जी भी गए थे तो रोक दिया गया, बहन रेखा जी भी गई थी तो इनको भी जाने नहीं दिया गया पूर्व में। तो इस बार मैंने दिल्ली से ही कमेंट करना शुरू किया, मैं उम्मीद करता हूं ममता जी हमें जाने देंगी,
अगर वो लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। फिर हम हवाई अड्डे से उतरे तो हमें बाहर जाने दिया गया। फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने कहा ममता जी धन्यवाद, आपने हमें हवाई अड्डे से बाहर निकलने दिया, हम उम्मीद करते हैं कि हमें हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में विजिट करने का आप अवसर देंगी। ये चलता रहा। मित्रों, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, जो इस रिपोर्ट का भी पाठ है, उसके पांच मूल बिंदु हैं। नंबर एक, नॉमिनेशन करने नहीं देंगे। यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल नॉमिनेशन। नंबर टू, नॉमिनेशन कर लिया तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को भी किडनैप कर लेंगे, सच्चाई हुई। तीसरा, अगर नॉमिनेशन कर भी दिया तो किसी तरह गड़बड़ी में आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट करेंगे। और चौथा, अगर आपने बहुत प्रचार किया तो आपके समर्थकों के घर पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे, घर में हिंसा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप जीत गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप दस्तखत करो कि आप टीएमसी ज्वाइन करोगे। तो जस्ट टू रिकैपिचुलेट, यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल नॉमिनेशन। इफ यू सक्सीडेड, यू विल नॉट बी अलाउड टू कैंपेन अंडर थ्रेट ऑफ किडनैपिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। इफ येट यू इंसिस्ट, then your supporters will be attacked, killed with impunity. And next, even if you manage to win, you will not be given the victory certificate till you give an undertaking of joining the TMC. ये एक मोटी बात आप जान लें, ये शर्त था। दूसरी बात, आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो हमने हाईकोर्ट के पांच आदेश को कोट किया है। ये काफी इलैबोरेट रिपोर्ट है, शुरू में सिनॉप्सिस भी है कि हाईकोर्ट ने कैसे पांच बार निर्देश दिया है कि चुनाव फेयर होने चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग होनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग में गड़बड़ी की गई, सेंसिटिव बूथ की सूची नहीं दी गई, आपको मालूम है, तो उनको मिसप्लेस कराया गया ताकि वो फील्ड में जा नहीं सके। मैं हाईकोर्ट के एक दो आदेश खाली आपके सामने पढ़ने की आपसे अनुमति चाहता हूं, और जिससे आपको समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाईकोर्ट ने, देखिए मैं एक पढ़ रहा हूं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू रिव्यू द असेसमेंट प्लान सबमिटेड बाय स्टेट and wherever there is inadequacy of the state police force in all such areas also, the state election commission shall requisition deployment of paramilitary forces. The requisition shall be done forthwith by the state election commission. Baki aur adesh hua, ab phir dekhiye wo chunav aayog supreme court chala gaya, samjhe aap is adesh ke khilaf। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वुड नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस इन दीज सर्कमस्टेंसेस, तो उसको डिसमिस किया गया। और ये देखिए, देयरफॉर वी आर, ये हाई कोर्ट का एक और आदेश है, देयरफॉर वी आर ऑफ द व्यू दैट सच डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अदर स्टेट्स टू बी इन प्लेस ऑन द डेट ऑफ पोलिंग एंड विल नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। Therefore, dehors the number of police forces which may have been requisitioned for other state. The state election commission shall independently assess the requirement as observed earlier and should be honest and bearing in mind so and so forth constitutional obligation. Uske pashchat phir court ka contempt bhi hua, contempt mein bhi unki jawab, aur dekhiye court ne ek aur adesh kya kiya, main aapko suna raha hu, suniye, the state election commission is duty bound to preserve all records concerning the election, including the CCTV footage, and he shall be solely responsible for the safety and security of all records. ये भी कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट के इतने आदेश को हमने इसमें कोर्ट किया है, इन सबों के बावजूद इतनी हिंसा हुई, तो ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक था।
कई लोग मारे गए, हम लोग उनसे मिले, हम लोग जैसा बताया नॉर्थ बंगाल भी गए थे, साउथ बंगाल भी गए थे, डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कई लोग जो मारे गए उनकी विधवाएं जब हम लोग उससे मिलकर रोती थीं, तो हम सबों के लिए बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। इट वॉज ए पैथेटिक सीन फॉर अस। मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये सारी फोटो, ये सब इसमें सब फोटो सब बकायदे लगी हुई है, 10-15 फोटोग्राफ आपको हम बताना चाहते हैं, जो हम लोग गए थे, सब अस्पताल गए थे, बाकी जगह गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है, और आज मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करूंगा कि ये बात देश में जानी चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट मधुमिता मंडल वॉज असॉल्टेड बाय टीएमसी वर्कर। हम उसके गांव गए थे 2 किलोमीटर चल करके। उसकी डॉटर इन लॉ श्वेता प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर इतना हमला किया कि वो मेरे और रेखा जी के एकदम आकर के इतनी रोई, उसका घर तोड़ दिया। वो भागी हुई थी हमारी उम्मीदवार। दुर्गा मंदिर बूथ नंबर 125, एक 13 साल के लोकल बच्चे को फरसा से ऐसा मारा कि पूरा कट गया था उसका। उन्होंने सब देखा, बाकी दुर्गा मंदिर का उन्होंने वो भी कैमरा तोड़ दिया पूरा। सबसे तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और दुख भी लगेगा कि बूथ नंबर 179 में शांतनु पात्रा, ये सब आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, वो बंगाल तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम करता है। वो घर आया था वोट देने और राजमिस्त्री कुछ पैसे बचाया था और एक अच्छा मकान बनवाया। उसका एक ही पाप था कि उसने नरेंद्र मोदी की फोटो अपने बरामदे में लगाई थी। उसका घर तोड़ दिया, उसका फ्रिज तोड़ दिया, उसका टीवी तोड़ दिया, उसकी मां को इतना पीटा, वो रोते हुए हम लोग उसे मिली और उसने तो भाग करके अपनी जान बचाई। वहां से निकले हम लोग तो कम से कम 200-300 महिलाओं ने हम सबों को घेर लिया और बंगाली में बोल रही थी। हम लोग समझे कि हमारी जान बचाई है। टीएम साल वर्कर कहते हैं चुनाव हो गया, अब खेला हो गए। और तो ये जो खौफ का माहौल, ओवरपावरिंग फियर हैज बिकम द हॉल मार्क ऑफ दिस इलेक्शन। और क्या पुलिस, क्या इंचार्ज थाना, क्या बीडीओ, इन सबों ने मिलकर कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन इसने फेसिलिटेट किया सारे को। तो ये बहुत पीड़ादायक लगा हम लोगों ने देखा जागा करके। आपको बताऊं, हम लोग आप लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग बासंती गए थे, वहां सब जुटे थे हम लोग अपनी व्यथा कहने के लिए। तो उन्होंने कहा बंगाली में, ऑल द मीडिया गो आउट। तुमने क्या हुआ, समझाने की कोशिश की तो कहा जब हम पिट रहे थे लोग कोई आया नहीं, अब आपके साथ आया है। तो मीडिया के लोगों ने भी हमसे कहा जेंटली कि सर हम लोग भी कहां जाने की हिम्मत कर पाते थे, तो रास्ते में रोक लेते थे। ये हाल था। अब आपको बताते हैं कनिका बर्मन, इतना रोई हम लोग के कंधे पर, उसके पति जयंतो बर्मन को बंजारपुर में मार दिया गया। रेजिडेंट ऑफ बाजारपुर, हरिहाट, बॉक्सीहाट, कूचबिहार, वे ब्रूटली बीटन टू डेथ। और एक और हैं मेहताब विश्वास की फैमिली, बूथ नंबर 38 फालीमारी जीपी, सुबह 6 बजे उसको मार दिया क्योंकि वो काउंटी एजेंट था। ये उसका इतना बड़ा बेटा मुश्किल से 5 साल का, उसकी पत्नी से मिले, उसके बूढ़े पिता से मिले। ये मैं बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि, और एक कृष्णा बर्मन, उनको इतना मारा क्योंकि दाहिने हाथ की रोशनी चली गई है। और जब हम लोग मिशन अस्पताल में मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पर अभी भी हमला हो रहा है क्योंकि आप लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। और एक हमारा
ये दिखाऊंगा आपको, ये देखिए उसको इतना मारा गोली से उसके पूरे पेशाब की सिस्टम गड़बड़ा गया, और उसकी पत्नी ने बाहर निकलते हम लोग को बिल्कुल लिपट के रोने लगी। सब फोटो इसमें है। ये क्या हो रहा है ममता जी, ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज दिस? इट इज कंडेमनेबल। ये देखिए, ये वो जो हमारी श्वेता दास थी उसके ससुर को देखिए रो रहा है हम लोग के सामने। और देखिए कैसे घर तोड़ते हैं, ये देखिए सब फोटो है, पूरा घर तोड़ दिया। इसको देखिए, और ये जो माधव दास के पिताजी थे हम लोग उसके पास गए थे, तो बहुत पीड़ादायक है ये, हम लोग को इतना दुख लगा। ये देखिए, ये सब बेवाएं हम लोग के रो रही हैं, गर्दन पर हम लोग का कमर पकड़ कर करके, हाथ पकड़ करके। ये वो है जिसके पूरे पेशाब का रास्ता गड़बड़ा गया, वो रोने लगी। मतलब हम लोग के लिए भी बड़ा ये दुखदाई अनुभव था। हम लोग सभी एक्टिविस्ट हैं, मैं तो पुराना एक्टिविस्ट रहा हूं, लेकिन इस तरह से हिंसा होती है क्या? इस तरह से दलित, अति पिछड़े, आदिवासी पर हमला होता है क्या? कोई सुनवाई नहीं। केस अगर किया, कॉम्प्रोमाइज करो स्ट्रेट अवे, कॉम्प्रोमाइज करो। तो ऐसा लगा कि पूरी मशीनरी बिल्कुल एक प्रकार से जुटी हुई है कि ममता जी को ये न के न प्रकार जिताना है और विरोध करने वालों को मारना पीटना है। तो मैंने आपको थोड़ा विस्तार से बताया, ये रिपोर्ट का पाठ है। फिर भी मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बहुत हिम्मत दिखाई। 11,000 ग्राम पंचायत के मेंबर्स भाजपा के चुने गए इसमें भी, और पूरा लेफ्ट और सीपीआई सीपीएम कांग्रेस हमसे वो 4,000 पर हैं सब मिलाकर के। और अगर ये ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो बीजेपी वुड हैव स्वेप्ट द ग्राम पंचायत इलेक्शन, मुझे कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, जीतती जबरदस्त रूप से। आजकल बहुत चिल्ला रहे हैं इन पर, मणिपुर पर, दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार कार्रवाई कर रही, आगे करेगी। एक आदिवासी हमारी उम्मीदवार के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, याद है ना आपको? उसके कपड़े फाड़े गए और डीजीपी ने कहा घटना झूठी है, और बाद में घटना सही हुई। जब हंगामा हुआ तो उनको स्वीकारना पड़ा कि किटों को गिरफ्तार किया गया। एक और जगह समस्या हुई, आज सुबह खबर आई है कि 13 साल के लड़के के साथ रेप हुआ है। तो ममता जी, आप तो महिला नेत्री है ना, आपने अपने बंगाल को क्या मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ का प्रदेश बना दिया है क्या? इससे अधिक मैं कड़े शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे वो संस्कार नहीं है। तो मित्रों, हमने कहा कि आपके सामने ये विस्तार से रख दें। कमिटी का पूरा ईमानदारी से मानना है कि इतनी बड़ी हिंसा हुई। हां, आप लोगों ने कई स्टिंग ऑपरेशन किया और बम का दिखाया, कहता बम का व्यापार चल रहा था वहां, पैसा फेंको माल ले बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल। तो हम लोगों ने एक अनुशंसा की है कि जितने भी आपराधिक मामले चुनाव संबंधित हैं, ये सबकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। The fact finding team in its recommendations has demanded that because of the complicit biased nature of the Bengal police and administration, it is only appropriate that all these cases should be investigated by the CBI. Aur dusra, kyunki bomb ka bhi bahut case hai, to ye scheduled offense hai. Ab jitne bhi bombaji ke case hain, उनकी जांच एनआईए से कराई जाए। ऑल केसेस ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द एनआईए, बिकॉज दैट इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। एक अंतिम बात कहनी है, फिर आपके हम प्रश्न लेंगे। हम लोग बंगाल में घूम रहे थे,
तो हमें बंगाल की पुरानी स्मृति आ रही थी, ये अरविंदो घोष का बंगाल है, ये सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल है। हमने कई बार कहा इस बात को, एक से एक कलाकार, एक से एक साहित्यकार। ममता जी, आपने इस बंगाल की आत्मा को कहां मार दिया है? ममता जी, वी आर कॉन्स्ट्रेंट टू ऑब्जर्व दैट यू हैव नॉट ओनली रूइंड बट सप्रेस द क्रिएटिव सोल ऑफ बंगाल। ये हो गया है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। एनीथिंग यू हैव टू ऐड, पल? एनीथिंग ऐड? और मैं आपसे एक आग्रह करूंगा विनम्रता से, कृपया करके इस रिपोर्ट को बढ़िया से छापिए, टीवी में दिखाइए। देश को जानना जरूरी है कि लोकतंत्र बंगाल में समाप्त हो गया है। बिल्कुल देखिए, दीज आर मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि हम लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम के थे, इसलिए हम लोग को फैक्ट प्रस्तुत करना था और आगे क्या होना चाहिए। एज फॉर 355 इज कंसर्न, श्योरली देयर इज अ वेरी डीपनिंग कंसर्न्स ऑफ डीप एंग्जाइटी ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बट दिस पे गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल। नेक्स्ट के दूसरे प्रश्न का जवाब आप मुझसे मत पूछिए, आप पूछिए सीताराम येचुरी से और पूछिए राहुल गांधी से। एक हमारे अधीर चौधरी बेचारे कुछ बोलते हैं, पिटाई तो उनके भी कार्यकर्ताओं की हुई, हिंसा उन पर भी हुई है। और हमने ये भी मालूम किया, जो बार बार टीएमसी की बात करते हैं ना, वो आपसी गुटबाजी के कारण हुआ है, जान लीजिए आप। हाँ, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से यह हो रहा है उस पर देश खामोश क्यों रहे और कब तक रहे? मतलब देश के लोकतंत्र, और याद करिए ममता जी क्या बोलती हैं, क्या पटना क्या बेंगलोर में, नरेंद्र मोदी अनडेमोक्रेटिक हैं इसलिए एक आना जरूरी है। और यह है ममता जी के डेमोक्रेटिक चरित्र की सच्चाई। क्या मतलब है इसका, यह भी जानना जरूरी। चलिए, जो भी इसके जो भी संवैधानिक विकल्प होंगे वो पीड़ित लोग इसको करेंगे। आपने जो एक बात कही ना कि टारगेट करेंगे, अब और क्या करेंगे, क्या करेंगे? घर तोड़ दिया, गर्भवती को पीटा, हमारे कार्यकर्ता को मार दिया, उसके परिवार को विधवा कर दिया, तो जितना करना था उन्होंने कर दिया। कम से कम ये क्रूर सच्चाई तो देश दुनिया के सामने आनी चाहिए। आई विल रिप्लाई सेपरेटली। एनीथिंग ऑन दिस रिपोर्ट? मुझे तो आश्चर्य लगा कि प्रियंका गांधी जो इतना बोलती हैं आजकल, वो भी महिलाओं पर कुछ नहीं बोली है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, शर्मनाक दोहरे मानदंड, ये मैं कहना चाहूंगा। और बाकी देश सब देखता है, समझता है, चिंता मत करिए आप। लेकिन हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा सारे मित्रों की तरफ से कि इस बार इस पूरे मामले की हमने बड़ी व्यापक, आपने भी देखा होगा, बहुत हमने सबूत जुटाए हैं। ये हम लोग भी बहुत हृदय विदारक था, ये मैं स्वीकार करूंगा। नेक्स्ट।
नीतीश कुमार जी को भवन से बाहर निकल गए क्या? मैंने सुना था वो को भवन में थे, उनकी बात नहीं सुनी गई थी। अच्छा, मतलब को भवन से बाहर आ गए वो। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा है बोले। आज मैं एक सवाल आपके इस विषय पर कही देना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी को लोग बोलने देंगे? आज मैं इस रिकॉर्ड को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय नेता हैं, 9 साल के बाद भी उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है, पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, देश की जनता उनकी बात सुनती है। क्या विपक्ष उनकी बात सुनते हैं सदन में? ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। याद करिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देते हैं ना, पिछले बार लोकसभा में तो उनको बोलने दिया गया, राज्यसभा में 2 घंटा उनको रोका गया, 2 घंटा। यही कांग्रेस पार्टी, यही टीएमसी, किस मुंह से बात करते कि हम पीएम बोलने के लिए सुनना चाहते हैं? बाकी तो जो हो कानूनी हमारे संसदीय कार्य मंत्री और बाकी नेता तय करेंगे, लेकिन मुझे जरा भी शंका नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं सुनेंगे, विरोध करेंगे, वॉकआउट करेंगे। तो उनको पॉलिटिक्स करना है, करने दीजिए। और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। नहीं, एक मिनट, वो जो कहां का सवाल उठ रहा है, नीतीश का तो मैंने बताया था, को भवन से। इट इज वेरी कंडेमनेबल, शॉकिंग एंड प्लेनली अनएक्सेप्टेबल। आई होप द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। हिंदू फेथ कैनॉट बी कैस्टिगेटेड लाइक दिस। मैं उम्मीद करता हूं कि केरला के मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द, इस तरह से हिंदू फेथ के बारे में हल्की बात नहीं की जानी चाहिए, इसके बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हाँ तो ये बात आप राहुल गांधी से पूछिए। वैसे मैंने बार बार इस बात को कहा है, इस मंच से कहा है, आज आपने एक सवाल पर, राहुल गांधी को हिंदुस्तान के राजनीति की कितनी समझदारी है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों।